हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं सदर मार्केट, और है ना सारे बच्चे सो रहे हैं, तो मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ ताकि ये जगने जाए। मैं दिखाती हूँ, देखिए सारे बच्चे सो रहे हैं यहाँ पे। ये नहीं जा रही है बेचारी, जा रही थी पर बच्चों के मारे नहीं जा रही है। और मेरा भाई है ना, सुबह सुबह अपनी डाइट के लिए क्या खा रहा है, फ्रूट खा रहा है और ड्राई फ्रूट खा रहा है, और बाकी के ना इधर सो रहे हैं सारे, और इधर सो रहे। ये देखो भाई, प्रैक्टिस फुल ऑन प्रैक्टिस कर रहे हो। गला मैंने खा चुका क्या, जो गाड़ी कौन सी लगे, जरा हम ईंटे भरी ईंटे निकाल दें। ईंटे भरी है उसमें, कार में निकाल दी ना, निकाल दी। तो हमारे पापा वैसे कभी जिंदगी में नहीं जगते, सुबह 6 बजे आज जग गए। पापा तो बदनाम कर दो 6 बजे उठते। मम्मी तो मैंने कोई झूठ बोला, पापा कब उठते, 6 बजे सो रही है। किस चीज़ की बहस चल रही है, पता नहीं। तो गाइस हम ट्रेन से नहीं जा रहे हैं, हमें ना कार से जा रहे हैं, क्योंकि मम्मी ने कहा ये लाडो है ना साथ में, तो ट्रेन से बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ जाएगी। चलो मैं आज अपनी मम्मी से मिला देती हूँ। बहुत अच्छी बात है। ये रही मेरी मम्मी, मेरे जैसी लगती है नहीं लगती है, कॉमेंट में बताना लगती है या नहीं लगती है। अभी तो मेरा सुबह सुबह चेहरा सूज रहा है बहुत। हमारी लाड शो रही है, देखो कितने प्यार से। अरे ना दूंगा मैं तुझको अपनी बाहों में, छुपा के रखूंगा। ले ना, खानदान के पैर ऊपर क्यों है, ऐसा कोई रीजन तू बता। उसको पूछ रहा हूँ ना मैं। दो घोड़ों का मतलब ये होता है, आप बताइए सर। दो घोड़ों का मतलब ये होता है कि जैसे जो जंग में लड़ते लड़ते मरा है ना, तो उसके लिए तो दोनों पैर ऊपर करवाएंगे। अगर जो घायल होके, तो लाइट ना दिख रही, तो और जो घायल होके घर आके मरा उसके लिए एक, और जो अपनी मौत मरा है ना उसके लिए दोनों पैर नीचे होंगे। समझ आया आपको, तो जंग में लड़ते हुए मरी थी ना। यस यस, ये जंग में लड़ते हुए मरी थी। तो आपके हिस्ट्री वाले सर आपको यही समझा रहे हैं सर, आपको पूरी ज्ञान की बातें बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। ओके सर, थैंक यू। सुनते हैं, मजे लेते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओके। बनाना कहा तो ना तुम पे शीतल बैठो, तो कमरे को तुम्हारा ब्लॉग इसलिए हिट में हो रहा है, तुम्हारा ब्लॉग जल्दी आ गए गाइस। तो अभी तो बाजार खुली नहीं, ले रही है ना, तो एक स्टाइल ले ली, ऐसे वो सब दे देंगे है ना। दिखेंगे तो सही, ये गाड़ी कम चलाता है और ना गाँव सॉन्ग ज्यादा गाता है। गाड़ी चला रहा हूँ मैं, अच्छी चला रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे हमारी गाड़ी है ना पार्किंग में फंस गई है। आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी के आगे कितनी सारी स्कूटी बाइक और कार खड़ी हो गई है आके, और यहाँ पे हम सबको लग गई है भूख। तो हम फ्रूट्स वगैरह लेके आए थे, हमने सोचा था रास्ते में हमें भूख लगेगी तो हम फ्रूट्स खा लेंगे। और दिल्ली में आके मेरी आवाज़ बिल्कुल हो चुकी है ख़राब, जिसकी कोई हद नहीं है। रास्ते में पड़ा था बंगला साहिब, तो हमने सोचा चलो इस यहाँ भी चलते हैं। बंगला साहिब के अंदर तो मैं नहीं गई, बाहर के बाहर जाके हाथ जोड़ के आ गई थी बंगला साहिब में। और बिट्टू बोला जल्दी कर जल्दी कर,
वरना यहाँ पे ना अभी पुलिस वाले आ जाएंगे। तो फिर हम गए, वो बोल तो रहा था चल अंदर दर्शन करा के लो, मैंने कहा नहीं मेरे को नहीं जाना, मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए कितना सुंदर व्यू है, बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू है, देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो गाइस जैसे कि आपने देखा था कि हम मार्केट गए थे सदर बाज़ार, तो वहाँ से मैंने कई सारी चीज़ें मतलब ख़रीदी हैं पार्लर से रिलेटेड, और वैसे भी बहुत सारी चीज़ें हमने ख़रीदी है। तो बस अब हम निकल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो ये रास्ते में देखिए कितना प्यारा गार्डन पड़ा था। और हाँ गाइस, इसमें मैंने इंडिया गेट का भी लिया है, वो इससे पहले वाले में है। तो आप लोग देखिएगा आज के व्लॉग में, बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके दोस्तों, बाय बाय।